ये देखिए PS91 NA 232, ये देखिए यहाँ पे धांधली हो रही है और इन लोगों ने NKM के बहुत सारी पर्चियाँ इसके अंदर डाल दी है। NKM की पर्चियाँ भरी हुई है इसके अंदर और ये भर के गए यहाँ पे। ये देखिए PS91 NA 232 मूवी बनाऊंगी जी, मूवी बनाऊंगी। वो कह रहे हैं आपसे पूछे, हम कह रहे पूछे। मैं आपको भी आरोप क्या करूंगी जब ये पुलिस वाले, मैं बुलाओ पुलिस ऑफिसर को नहीं है। ये देखिए इसके अंदर NKM की पर्चियां भरी है इन्होंने, NKM की पर्चियां भरी है इसके अंदर। स्टंप चेक कीजिएगा और इसका कलर चेक कीजिएगा, अगर स्टंप नहीं है तो वो भी नहीं है। ये सारा आमना मिला हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जाओगे ये भी दोनों डाल दी, आप आपको भी सामने देखिए, वो आए डाल के मैं अपने अटक के अवाम से मुखातब हूँ। बहुत शदीद किस्म की धांधली हो रही है पूरे अटक शहर के अंदर। हमारे जितने भी पोलिंग एजेंट से उन्हें वहाँ से उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और कोई पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह हमारे जो कैंप्स थे बाहर उनको भी उखाड़ा गया और उनको भी तितर बितर कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये जितना भी काम किया जा रहा है ये जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप, मेरी ये अपील है कि आईन और कानून के मुताबिक चलें और लोगों को बैठने दें। जिनका हक है, जो जिनको लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि वो इलेक्ट करें, उनको इलेक्ट करने दें। लेकिन मैं अपने अटक के अवाम से ये अपील करता हूँ, कोई भी बच्चा 18 साल से ऊपर का, कोई मर्द, कोई बुजुर्ग, कोई मेरी बहन, कोई बेटी, कोई घर में ना रहे, निकलें बाहर, खुदा के लिए निकलें और जाकर वोट पोल करें, वोट पोल करें। ये जितनी मर्जी धांधली कर लें, धांधले कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जीत हमारा मुकद्दर है। इसी तरह बेशुमार शिकायत आ रही हैं NA 50 के हल्के से, तहसील जंड, पिंडी गेब और फतेह जंग की तरफ से, उधर भी हमारे जो एजेंट्स हैं उन्हें उठाया जा रहा है, पुलिस गर्दी हो रही है और एक तमाशा बना हुआ है। और मैंने खुद जाती तौर पे हेल्पलाइन पे जाकर शिकायत भी करवाई है इलेक्शन कमीशन को एज उम्मीदवार ताहिर सादिक NA 49 से, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल भी नहीं हुआ। मुझे ये भी पता चला है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब मॉनिटरिंग करने के लिए नए ये पोलिंग स्टेशन को विजिट करने के लिए अटक तशरीफ ला रहे। मेरी इनसे भी अपील है कि खुदा रहा कोई ऐसा काम करें जिससे मुल्क को नुकसान न पहुंचे, जिससे जमहूरियत को नुकसान न पहुंचे, और इनको हदायत दें इस SP को, DPO को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। इन्होंने क्या तमाशा बनाए हुए, यल्ला मची हुई है। अगर इसी तरह करना तो वैसे ही नोटिफाई कर देते कि ये फलाने फलाने जो मेंबर हैं ये आए और हाउस में बैठें और नवाज शरीफ को इलेक्ट करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इतनी तगोदो करने का, इतना मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं, ये नुकसान होगा। मैं फिर अपील करता हूँ कि हमारे लोगों को बैठने दें, अमन से इलेक्शन होने दें, इंशाल्लाह हम जीते। आप जो मर्जी कर लें, टिल का जोर लगाएं, जीत इंशाल्लाह हमारा मुकद्दर है।